बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने आज खगड़िया में कहा, देश में जातिगत आधारित जनगणना हो इससे बीजेपी को कोई ऐतराज नहीं है। इस मुद्दे पर बातचीत के लिए पीएम के द्वारा बिहार प्रतिनिधि मंडल को समय देना स्वागत योग्य है। इस प्रतिनिधि मंडल में बीजेपी विधानमंडल के भी सदस्य शामिल होंगे। राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह और तेज प्रताप के बीच छिड़ी जुबानी जंग पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि जगदानंद बाबू इन दिनों राजनीतिक त्रासदी झेल रहे, उनके साथ जो हो रहा है वह सही नहीं है। वहीं अफगानिस्तान के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान हमारा पड़ोसी देश है, अफगानिस्तान में जो भी हो रहा है उस पर केंद्र की पैनी नजर है। अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों की सकुशल वापसी की प्रयास जारी है। वहीं पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि पंचायती राज व्यवस्था को सरल और सुलभ बनाने के प्रखंड स्तर पर जिला परिषद में मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी की नियुक्ति होगी। मंत्री ने कहा कि वर्ष 2024 तक पूरे बिहार में नली गली योजना और हर घर में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था कर दी जाएगी, इसके लिए सरकार प्रतिबद्ध है। दरअसल आज जिले के एक रिजॉर्ट में परामर्शी समिति सदस्य सह कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी, MLC रजनीश कुमार समेत कई अन्य नेताओं ने भाग लिया। 23 अगस्त को जो प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री से बिहार विधानमंडल की ओर से जा रहा है, उसमें सभी दलों के प्रतिनिधि शामिल हैं और यह विषय भारत सरकार से और राष्ट्रीय जनगणना से जुड़ा हुआ विषय है। बिहार ने अपनी बात करी है, लेकिन पूरे राष्ट्रीय संदर्भ में और क्या निर्णय लिया जाएगा या इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन जो भारतीय जनता जो बिहार विधानमंडल का जो प्रतिनिधि मंडल है उसमें सभी दल के विधानमंडल दल के सदस्य हैं। क्या आपत्ति है बीजेपी को जाति आधारित जनगणना? अगर ये आपत्ति होता तो प्रधानमंत्री बुलाते ही नहीं और इस पूरे प्रतिनिधि मंडल में भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रतिनिधि शामिल नहीं होते, इसमें आपत्ति कहाँ है? देखिए, ये तो केंद्र सरकार का विषय है। पूरे भारतवर्ष में बिहार ने इसे प्रस्ताव पारित करके भेजा था, उस आलोक में प्रधानमंत्री जी इस पूरे प्रतिनिधि मंडल की बातों को सुनेंगे और उसमें सभी दल के लोग शामिल होंगे। देश तो सरकार को निर्णय करना है क्या परिस्थितियां रहेगी, आने वाले दिनों में क्या बेहतर कदम उठाने होंगे, ये सरकार भारत इस पर नजर रख रहा है और अफगानिस्तान हमारा पड़ोसी देश है, इसलिए वहाँ की घटनाओं पर हमारी सरकार की नज़र है और वहाँ हमारे जो अल्पसंख्यक हिंदू हैं, सिंधी हैं, सिख हैं, ऐसे सारे लोगों को भारत में आने के लिए हमारी ही सरकार ने कानून भी बनाया और उस कानून के तहत उन्हें शरण भी देने का। क्या कोई आंकड़ा है बिहार के कितने लोग अफगानिस्तान में? ठीक है, धीरे धीरे वो आंकड़ा आएगा, उसमें तो पूरे राष्ट्रीय स्तर की। देखिए, जगदानंद बाबू तो हम लोग के अभिभावक स्वरूप में हैं और दुर्भाग्य है कि जगदानंद बाबू को इस उम्र में इस तरह के त्रासदी को राजनीति में झेलना पड़ रहा है, यह दुखद है। उनका हम सब सम्मान करते हैं, लेकिन उनके दल के अंदर की बात है, बहुत टिप्पणी भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन जगदानंद जी के साथ जो भी हो रहा है वो अच्छा नहीं। और बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी ने तय किया कि 2024 के पहले एक एक व्यक्ति के घर तक नली और गली योजना पहुंचाना है और दूसरा घर घर तक जल पहुंचाने का काम करना है। और इसमें जिनका कानून आदरणीय तारकिशोर जी के नेतृत्व में, आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोगों ने कानून बनाया है, अब अलग से DDO के अलावे एक मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी को हम प्रतिनियुक्त करेंगे प्रत्येक ग्राम में, जो सिर्फ और सिर्फ पंचायती राज के कामों को देखने का काम करेगा। उसी तरह जिला परिषद में तमाम साथी चाहते थे क्यों विकास आयुक्त के पास की बहुत सारा काम होगा, जिले में मनरेगा को देखना है, इंदिरा आवास को देखना है और अनुश्रमण का काम को देखना है, DM के नीचे वही सारे डेवलपमेंट के काम को देखते थे और पंचायती राज की व्यवस्था उद्देश्य नहीं हो पाती। लाखों लाख करोड़ों की संपत्ति जिला परिषद में है सब और उसकी व्यवस्था नहीं हो पाती। तो हम लोगों ने यह भी तय किया है कि हम मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के तौर पर जिला परिषद में अलग से डिप्टी कलेक्टर से ऊपर के लोग, एडीएम के लोगों को
सुचारू रूप से चलने का काम है।